पिक्चर अच्छी है ये वाली। हद हो गई मत, अच्छा। ये आप थरम छोड़ दें, इसमें से आपको लड़की नहीं मिल रही। घूम गया हूँ देख के। बहुत तरसे हुए आप। बहुत ज्यादा गर्मी बहुत चढ़ गई है यार। ये है कि वो कौन सी चीज है जिसको हम डेली इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो हमें नजर नहीं आती। अब लड़कियाँ भी करते हैं लड़कों वाले शौक, कभी कभी क्यों करता है कुछ आप समझ रहे ना, कि जो ऐसी आदतें कैमरे में नहीं बता सकते। हाँ तो बीबी ने पूछा नहीं आपने किस लड़की के लिए लगाए हैं? हाँ पूछा था मैंने, पूछा था ना। भाई मैं कुछ और नहीं समझ रही, मैं वही समझ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम पब्लिक पॉइंट्स के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फाइक अली, और इस वक्त आप देख सकते हैं एक मार्केट में मौजूद हूँ। मार्केट इस वक्त बंद है लेकिन लोग यहाँ पे हैं, मतलब इंटरव्यूज मैं आराम से कर सकती हूँ यहाँ पे, मार्केट हालांकि बंद है। सवाल आज का बहुत इंटरेस्टिंग है, सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। दूसरा सवाल लोगों से करेंगे, उनके टैलेंट के बारे में जानेंगे। आजकल आवाम वैसे ही बहुत वेली है तो देखते हैं कि उनके अंदर कोई टैलेंट है भी या नहीं। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। तब तक मैं यहाँ मौजूद लोगों से पूछती हूँ, मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुनैद। ये क्या किया है आपने? ये हाँ वैसे ही अल्लाह जी, ओ माई गॉड, गुस्सा आया था। ये आपने कट लगाए हैं जी? छोटे होते लगाए थे तो वैसे ही जरा गुस्सा। नहीं ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आपको कट्स लगाने पड़े? बैट लगी थी एक दोस्त के साथ, तो छोटा था उस टाइम, बहुत छोटा था काफी, ये छोटी सी हमने। ये बैट का नहीं है, किसी लड़के का के साथ नहीं हुआ, ये किसी लड़की का चक्कर है। लड़की का नहीं था, वैसे बैट लगी थी स्कूल में तो उस टाइम हमने मार ली थी। बाद में मैंने कहा शायद निशान चले जाएंगे लेकिन वो गए नहीं, निशान ही जाते नहीं है। मैं छोटा था, बढ़ गए हैं बस अब आपके जी। तो शादी हो गई आपकी? जी हो गई है। हाँ तो बीबी ने पूछा नहीं आपने किस लड़की के लिए लगाए हैं? हाँ पूछा था मैंने, पूछा था ना। क्या बोला तूने? हाँ पूछा था मैंने, पूछा था ना। आपके लिए लव मैरिज की थी, अरेंज मैरिज, लव मैरिज की थी, उनको यकीन आ गया? हाँ जी आ गया। इसका मतलब झूठ बोला आपने? मासूम होती है ना। अच्छा हाँ मासूम तो होती है, कर लेती है, बात पे यकीन कर लेती है। आपने झूठ बोला उनसे? नहीं 50-50 मैंने कहा, बताया अभी के मैंने कहा मजाक में कह दिया मैंने कहा आपके लिए, मैंने कहा पहले से तो ना झूठ बोल रहे आपसे। हाँ कि यही के किसी लड़के से बैट लगी थी लगाई है फिर मैंने आपसे नहीं। अक्सर लड़के तभी लगाते हैं जब उनको कोई दुख मिला होता है या कोई लड़की भाग जाती है, ब्रेकअप हो जाता है फिर, या शादी ना हो रही है उनकी पसंद की लड़की से। लेकिन ये काम फजूल से है, टाइम इसमें जाया करने की जरूरत नहीं। ये ठीक था आपने जो किया, हद हो गई। मतलब था बैट लगी थी तो क्या बैट लगी थी? बस वैसे ही उन्होंने कहा कि कौन ज्यादा मारता है, उस समय बचपना थे तो दो छोटे। आपको दर्द नहीं होती थी क्या? इंसान के बच्चे थे ना आप। बस उस टाइम नहीं पता था, आपको पता छोटा होता है इंसान तो नहीं, अकल समझ बूझ नहीं होती। मजा किस तरह चीज करना, किस तरह मजा आता है। अच्छा मुझे ये बताएं बीवी, अगर आप नाराज हो जाए आपसे तो कैसे मनाते हैं? कुछ चीज ला के देंगे, खाने के ला के देते होंगे, खाने के लिए नहीं कुछ पहनने के लिए, कोई कपड़े पहनने के, कोई जूती या कोई शॉपिंग वगैरह। हर कोई मुझे ऐसे ही कहता है कि खाने की ला के दे दें या कुछ भी, तो इसका मतलब कहना चाहे लड़कियां लालची होती हैं? नहीं नहीं, ये वैसे ही उनको ना एक शौक होता है कि हमारे लिए हस्बैंड कुछ लेके आए, हमारी परवाह करें, हमारी केयर करें, ये लालची नहीं होती वो। चलो शुक्र है कि हमारे लिए हस्बैंड कुछ लेकर आए। चलें थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहेल। सुहेल जी जी, यहाँ क्या करने आए हैं? मार्केट्स बंद है। शॉपिंग करने के लिए आए थे लेकिन मार्केट बंद है। मार्केट्स बंद है, दिल के अरमान आसमान में बह गए। बिल्कुल इसी तरह ही है। अब शॉपिंग सारा दिन जो होता है, हम काम पे होते हैं, रात को टाइम मिलता है शॉपिंग करने के लिए। क्या लगता है अब ईद कैसे गुजरेगी आपकी? जिस तरह के हालात है इस तरह तो यही लगता है कि पुराने कपड़े निकाल के पहनने पड़ेंगे। जी जी। कानों में भी आपने बालियाँ पहनी हुई है? बस यही शौक है। शौक है, अच्छी नहीं लगती? नहीं लड़कों को लड़कियों वाले शौक क्यों होते हैं? नहीं पसंद की बात होती है ना शौक, अब लड़कियां भी करते हैं लड़कों वाले शौक। चले अच्छा लड़के कितना नोट करते हैं लड़कियों को, ऐसा क्यों है? क्योंकि लड़कियां होती है इसीलिए। वेल डन। नोट करने के लिए होते हैं? नोट करती हैं, जैसे आपने नोट किया कानों में बालियां क्यों पहनी हुई। मैं तो आपका इंटरव्यू ले रही हूं ना, नोट किया ना आपने, इंटरव्यू लेते लेते नोट भी कर लिया। चले अच्छा सवाल करते हैं आपसे, ठीक है? दिमाग काम करता है? दिमाग कभी कभी करता है। कभी कभी क्यों करता है? बस आदतें कुछ ऐसी हैं ना। आदतें कैसी हैं आपकी भाई? कैसी कौन सी आदतें हैं जो आप ऑन द कैमरा नहीं बता सकते? बस कुछ आप समझ जाए ना, कि जो ऐसी आदतें कैमरे में नहीं बता सकते। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आप खुद समझ रहे हैं। बहुत मासूम हूँ, मुझे समझ नहीं आती। मासूम लग रही है। मैं मासूम हूँ, कुछ लोग देखने में मासूम लगते हैं लेकिन होते नहीं है। बात पे यकीन कर लेता हूँ कि आप मासूम हैं। अच्छा मैं सवाल कर लेती हूँ आपसे। सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसको हम डेली इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती? इबादत।
अच्छा आप डेली इबादत करते हैं? मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आज भी पढ़ता हूँ। अच्छा अभी हरकतों पे बातें कर रहे थे, मेरी हरकतें ऐसी हैं। आपकी मेरी हरकतें बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नमाज पढ़ता है उसकी हरकतें भी तो पाक होती हैं ना, अच्छी होती हैं। के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तरावी कुरान पाक ये सब कुछ करना है। के महीने में हाजी बन जाते हैं। हाजी बन जाते हैं और बाकी आम दिनों में शैतान बने होते हैं। तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। उसमें ये होता है कि फिर नमाजें नहीं पढ़ी जाती, दुनियादारी के कामों में बिजी हो जाते हैं, मसरूफियात होती है हर बंदे की। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान के महीने में नमाज भी पढ़ते हैं, इबादत भी करते हैं। नहीं जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली रजा। मैरिड है? नहीं अभी तक। आपने शादी नहीं की? क्यों? बस अल्लाह ताला की मर्जी है। अल्लाह ताला की मर्जी है, इंसानों की भी मर्जी होती है। यही मांग रहा हूँ। क्या? कि मेरी शादी हो जाए। क्यों? वही आपको कोई लड़की नहीं दे रहा? नहीं ये बात नहीं है, मेरा दिल नहीं था अभी तक ना काफ़ी देर बस। अच्छा अब आप सोच रहे हैं कि शादी कर? हाँ। लेकिन अब काफ़ी देर हो गई है। क्योंकि मैंने नहीं, देर नहीं हो गई है, अभी तक देर नहीं हुई है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? देख देर नहीं हुई, अभी देर नहीं हुई। क्या एज है आपकी? 27। 27 सही है अभी तो। फिर आप चलिए, अल्लाह ताला आपको लड़की दे दे। इलाही आमीन। अल्लाह ताला आपको लड़की दे। इलाही आमीन। आमीन। अच्छा आमीन बोल रहे हैं। इलाही आमीन। बहुत तरसे हुए आप। हाँ बहुत ज्यादा गर्मी बहुत चढ़ गई यार। चले क्या पता इंटरव्यू देख के कोई लड़की आ जाए आपको पसंद कर। हाँ मेरा नंबर दे दीजिएगा आप। मेरे पास मैं कैसे नंबर ना आपके किसी कैमरामैन को नंबर इसको मैं नंबर दूंगी ना जी। कोई भी अगर आपसे इंटरव्यू के लिए फोन करके पूछ लेता है कि इनका नंबर दे दें को पसंद किसी को आ जाऊँ तो फेस उधर करके कहें कि भाई अब मैं जो हूँ शादी करना चाहता हूँ, शादी का इरादा मेरा, सो प्लीज कोई लड़की अगर मुझे पसंद करती है, कोई नेक लड़की। नेक लड़की मैं कोशिश करती हूँ। चले तो फिर आ जाए आपके पास। नहीं नहीं मेरे पास नहीं, आ जाए अल्लाह ताला हमारा मैच मेक करवा दे। फिर आपके घर आ जाए, अम्मी से बात कर ले। बिल्कुल हाँ, वैसे नेक लड़की चाहिए आपने कह दिया। एक चाहिए जो पर्दे वाली लड़ाइयाँ ना करे। अच्छा घर के काम शाम भी करे। अच्छा नौकरानी नहीं करा रहे हैं आप? काम वाली होने के बावजूद मतलब घर के काम अपने मतलब कस्टडी में करवाए ठीक से ये। अच्छा अच्छा बेड पे लेटी रहे और अम्मी के साथ लड़ाइयाँ। आप आज की लड़कियों का बता रहे हैं, आज की लड़कियाँ ऐसे करती हैं, लड़ाइयाँ करती हैं और सोती बेड तोड़ती हैं। सोए भी, रेस्ट भी करें, सुकून भी करें, महारानियों की तरह रखना भी चाहता हूँ मैं। अच्छा हाँ चले अल्लाह करे आपको मिल जाए, इतनी अच्छी नीयत है आपकी। बिल्कुल चलें आपसे सवाल करते हैं फिर। बिल्कुल मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसे हम डेली इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती? पिक्चर अच्छी है जी। पिक्चर अच्छी है ये वाली। हद हो गई मत। अच्छा ये आप थरक छोड़ दें, इसमें से आपको लड़की नहीं मिल रही। अच्छा ठीक है छोड़ देंगे ना थरक। क्या था आपका? मेरा फोन में आप कह रहे हैं पिक्चर अच्छी है, थरक छोड़ेंगे तो लड़की मिलेगी ना। अच्छा। लड़कियों को लड़की नहीं मिलती। ठीक है तारीफ करनी बुरी बात है किसी चीज की। इंटरव्यू देने एक सीरियस बात हो रही है। दोबारा पूछे सवाल अपना। हद हो गई आपकी, मतलब आपको पिक्चर पे ध्यान था। आप पे भी है बोले हैं। मैं आपसे पूछ रही थी कि वो क्या चीज़ है जिसे हम डेली इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आती। वो क्या चीज़ है जिसे हम डेली इस्तेमाल करते हैं हमें नज़र नहीं आती? इस्तेमाल भी करते हैं हम, इस्तेमाल करते हैं लेकिन नज़र नहीं आती हमें। ये बता बस आप लड़की की तरफ ध्यान अभी आपका, और मेरी पिक्चर्स की तरफ ध्यान है आपका, दिमाग नहीं काम कर रहा आपका भी। घूम गया हूँ देख के। हद हो गई। ये जो लड़कों की शादी नहीं होती इस वजह से नहीं होती क्योंकि वो ठरकी बहुत होते हैं। अच्छा इस वजह से नहीं होती? ठरकी नहीं है आप क्या फ्लर्टी हैं? नो। चलें थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नुमान। अच्छा नुमान यहाँ क्या करने आए हो? शॉपिंग करने खाने की शॉपिंग करने आए हो? नहीं वो पीछे गए हैं मार्केट। पीछे तो मार्केट बंद है। वो शटर से अंदर डाल। क्या बात करते हैं यार? वो शटर से अंदर डाल। अच्छा शटर से अंदर कर रहे हैं। चलो एक और मुझे पता चल गया। कि यहाँ पे ऐसे काम हो रहे हैं, शटर के नीचे जो है वो कारोबार कर रहे हैं लोग। कारोबार नहीं कर रहे, वो दूसरा कारोबार कर रहे। कौन सा कारोबार है? पेंट पेंट्स का कर रहे। पेंट्स का कर रहे हैं आप, दूसरा समझ। नहीं नहीं वही ना कारोबार ही कर रहे हैं ना। तो भाई मैं कुछ और नहीं समझ रही, मैं वही समझ रही। चलो अच्छा मुझे ये बताओ दिमाग काम करता है? आप पूछ लें जो पूछना। अच्छा मुझे पहले तो ये बताओ बालों पे क्या लगाते हो? मुझे भी ऐसे बाल करने। कुदरती कुदरती हैं
वाह, तो कुछ नहीं लगाते? नहीं, शुरू से ऐसे हैं। हाँ जी, मास्क भी नीचे कर। बताना चाह रहा है बच्चा कि मेरे बाल नहीं प्यारे, मेरी शक्ल भी बहुत प्यारी है। शुक्र है ना? सही है। चलो अच्छा, सवाल करते हैं आपसे। सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता। नहीं पता। आंखें। आंखें डेली इस्तेमाल करने नजर नहीं आती तुम्हारी? आंखें तुम्हें नजर नहीं आती? हद हो गई है। नजर आती है ना, ऐसे तो नहीं ना आती। नजर तो आती है ना, चीज हमें नजर नहीं आती। से मासूम से बच्चे हो, मुझे लग रहा है सच में हो। वाकई में हूँ मैं मासूम हूँ। अच्छा, अकेले आए हुए फ्रेंड्स के साथ? भाई के साथ आए। भाई के साथ आए। अच्छा, तुम्हारी तो आंखें भी जो है वो ब्राउन कलर की हैं, है ना? कहाँ से आई है इतनी खूबसूरती? अल्लाह जाने, अल्लाह ने दिया और किस अल्लाह ने दिया। नेचुरल खूबसूरती है। चलो, थैंक यू सो मच। सो व्यूवर्स, कैसा लगा आज का शो? आपको फीडबैक ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत मज़ा आया। और सवाल ये था कि वो क्या चीज़ है जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती? तो वो आवाज़ है, जिस पे लोगों ने बहुत बैड कमेंट्स किए और किसी को तो सवाल का जवाब आया ही नहीं। सो अगर आप चाहते हैं नए आने वाली वीडियो आपको मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखते रहिए पब्लिक पॉइंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।